छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 33,000 पदों पर भर्तियां होगी। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि यदि आपके सपने हैं सरकारी नौकरी पाने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए कभी निकल कर आएगा। और 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा निश्चित तौर पर आप में से हर एक स्टूडेंट के, आप में से हर एक युवाओं के जो है सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है। जी हाँ, और इसका एग्जाम जो है कब होगा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है और 33,000 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती होगा। पूरे सिलेबस के बारे में, कंप्लीट जो है सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे लेवल पर जो है कर सकें। पूरी कंप्लीट सिलेबस भी बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक का जो पोस्ट होता है वो बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। और अगर आप 10 साल जो है रेगुलर जो है अगर आपका जॉब लग जाता है, 10 साल तक अगर आप रेगुलर पढ़ाते हो, उसके बाद सातवां वेतन भी लागू हो जाता है, जिससे आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी देखने को मिल पाता है। तो 33,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सबसे पहले तो आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यदि आपने बीए किया हो, बीएससी किया या फिर आपने बीकॉम किया है। और आप सभी के लिए जो है यदि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आपने डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो। वहीं अगर आपने बीएड कोर्स किया है तो आप जो है मिडिल स्कूल के टीचर जो है बन सकते हैं। तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, और साथ में बीएड और डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और दोनों भी रहेगा फिर भी आप सभी के लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं और 12वीं के बाद आप जो है डीएलएड जो है कोर्सेज जो है कर सकते हैं। डीएलएड कोर्सेज में भी आप सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी आप सभी को जो है देखने को मिल पाते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 33,000 पदों पर आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती, सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल कर आया है। जी हाँ, और अगर हम बात करें तो 33,000 शिक्षकों के भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सीजीटेट एग्जाम्स का भी क्वालिफाई होना डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। जी हाँ, तो आपका जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए सीजीटेट एग्ज़ाम भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे सीटेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी से भी आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी से प्रश्न आएंगे, गणित से प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं, संविधान से पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, इन सभी चीज़ों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी सब्जेक्ट जो मैंने बताया वही आपका जो है पूरे सिलेबस होता है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स की नॉलेज रख रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ जानकारी जो करंट अफेयर्स समसाई के घटना चक्र के जो नॉलेज है वो आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है। तो जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, नॉलेज ग्रहण करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा और उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और उतना ही ज़्यादा दिन आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें विकास के अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। और हिंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हिंदी में ज़्यादातर पूरे व्याकरण ही पूछे जाते हैं, हिंदी के व्याकरण। और मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस, आपको अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हिंदी को हिंदी मत समझिए, सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होता है उसको इतना ईजी मत समझिए। कोई भी चीज़ ईजी नहीं होता, जब तक आप उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आपको उसके बारे में पूरे कंप्लीट जानकारी नहीं होगा, तब तक आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा। तो
कभी भी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है कभी भी हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर यही आप लोगों के लिए जो है गलत होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको मेहनत करना है, कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको तैयारी करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको मेहनत करना है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत अच्छे से करोगे, तैयारी अच्छे से करोगे, उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन, उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए बेस्ट फिर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के 33,000 पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं, और ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है शिक्षक बनने का, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो यकीन मानो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मैं यही कहता हूँ कि सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। अगर आप सपने देखते हो लेकिन आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते हो, तो फिर किसी भी तरह से फिर आपके सपने, फिर किसी भी तरह से आपके ड्रीम जो है पूरे नहीं हो सकते। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन आपको कोशिश करना है, हर दिन आपको मेहनत करना है। जितना ज्यादा आपका कोशिश होगा, जितना ज्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज्यादा आपका हार्डवर्क होगा, उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज्यादा सफलताएं, उतने ही ज्यादा शोहरत, उतने ही ज्यादा बुलंदियां आपको फिर मिल पाएगा। और मैं यही चीज कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन से, एग्जाम से, या कोई भी चीज़ है इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या वो चीज़ इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस कोशिश करना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। काफी लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन काफी लोग होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते। जो कोशिश नहीं करेंगे वो जिंदगी में जिस स्थिति पर है उसी चीज स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे, वही लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। उन्हीं लोगों को जिंदगी में कामयाबी, उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में जो है सक्सेस फिर मिल पाएगा। और सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होता, मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होता कि इतने दिन में आपको कामयाबी मिल जाएगा, इतने टाइम में, या इतने समय में आपको सक्सेस मिल जाएगा, इतने टाइम में कामयाबी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कामयाबी हमें कभी भी मिल सकती है, बस हमारा काम होता है मेहनत करना, हमारा काम होता है कोशिश करना। तो जो आपका काम है मेहनत करने का, जो आपका काम है कोशिश करने का, वो काम आपको जो है करते रहना चाहिए। तो जितना ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके हार्डवर्क कीजिए, कोशिश कीजिए, और आने वाला टाइम या आने वाला समय जो होगा वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले टाइम या आने वाला समय को आज से कहीं ज्यादा बेहतर बनाना है तो उसके लिए अभी से कोशिश करो, उसके लिए अभी से ही मेहनत करो, उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशंस करना जो है शुरू कर दो। क्योंकि अभी से अगर आप मेहनत करोगे, अभी से तैयारी करोगे, तो यही चीजें हैं जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगा, यही चीजें हैं जो आपको आगे फिर सफलता दिलाएगा। सो थैंक यू, बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत को मेन प्रायोरिटी दो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद आपका।